नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैक्सीन सर्टिफिकेट में ऑनलाइन करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, और सबसे पहले दोस्तों हम उसके लिए ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र, और वहाँ पर दोस्तों कोविन का जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक ओपन कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रख देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कोविन का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है हमने उसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाता है। अभी दोस्तों करेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें कोविन साइट पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में रजिस्टर स्लैश साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। और दोस्तों हमने जो वैक्सीन लेते टाइम जो अपना मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर प्रॉपर फिल करने के बाद नीचे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम उस पर क्लिक करके ओटीपी सेंड कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो नंबर है उस पर ओटीपी आ जाता है, और वो ओटीपी यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों अभी ओटीपी फिल करने के बाद नीचे देखिए वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके हम जो है कोविन की साइट पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कोविन की ऑफिशियल साइट पर हमने लॉगिन कर लिया, हमारे सामने देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो वैक्सीनेटेड पर्सन का जितना भी डिटेल्स है वो सामने देखिए शो कर रहा है। इस मोबाइल नंबर से कोई एक ही बंदा जो है वैक्सीन लिया हुआ है तो उसका देखिए यहाँ पर नाम शो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों जिस भी मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे वो मोबाइल नंबर देकर जितने भी लोग वैक्सीन लिए रहेंगे उन सबका डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। जैसा कि इस मोबाइल नंबर से कोई एक ही बंदा लिया है तो उनका ये देखिए यहाँ पर नाम शो कर रहा है। अभी हमें दोस्तों इनके नाम में करेक्शन करना है, तो चलते दोस्तों वो हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स देकर वैक्सीन लिया है वो सब यहाँ पर देखो डिटेल्स दिख रहा है, और इन्होंने दोनों डोज कंप्लीट ले चुके हैं दोस्तों। तो अभी हमें इनके नाम में करेक्शन करना है, तो ऊपर देखिए रेज एंड इशू का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि इनका नाम यहाँ पर देखिए मिलन आर प्रजापति दिख रहा है, और इनका आधार कार्ड पर दोस्तों राम मिलन प्रजापति। दोस्तों ज़रूरी ये है कि आप करेक्शन करने के पहले यहाँ पर अच्छे से आपका जो भी डिटेल्स है आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लीजिए, और चेक कर लीजिए दोस्तों कि आपका यानी कहाँ पर रॉन्ग है और किस चीज़ में आपको करेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है उस बेस पर हमें ये नाम चेंज करना है, तो ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, प्रोसीड करते हैं। दोस्तों जैसे हम रेज एंड इशू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए जो भी ऑप्शन अवेलेबल है करेक्शन करने के वो सारे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मतलब अगर हमें नेम, एज, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। बाकी नीचे देखिए हमारा डोज वगैरह में जो है अपडेट नहीं हुआ है कुछ डिटेल्स, तो वो भी हम अपडेट कर सकते हैं। और बाकी हमारा जो पासपोर्ट डिटेल है वो भी अपडेट करने का ऑप्शन है, अगर हम अब्रॉड में जो है कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों वैक्सीन सर्टिफिकेट पर, तो वो भी हम यहाँ पर डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसमें जो भी आपको करेक्शन करना है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें हमारा जो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ है उसका करेक्शन करना है, तो ऊपर का जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेलेक्ट अ मेंबर का ऑप्शन है, ठीक है। सेलेक्ट अ मेंबर पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा जो भी मेंबर है अवेलेबल उसका नाम आ जाता है, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका भी हमें नाम करेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने मिलन आर प्रजापति का करेक्शन करना है नाम और डेट ऑफ बर्थ का, तो हमने उनका नाम सेलेक्ट कर लिया है। और आगे देखिए नाम के आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर चेंज का ऑप्शन है, तो हम इस पर चलते हैं क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी हम फिलहाल जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं नेम करेक्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स पर जो भी प्रॉपर नाम है उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास आधार अवेलेबल है, तो उस पर जो भी नाम है वो हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए फ़ोटो आईडी का ऑप्शन है, और यहाँ पर जो फ़ोटो आईडी का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों इसमें देखिए हमने पैन कार्ड दिया हुआ है पहले,
तो इसमें डॉक्यूमेंट्स तो चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर हमने पैन कार्ड दिया है, पैन नंबर में कुछ रॉन्ग है तो वो हम अपडेट कर सकते हैं। बाकी अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट्स ही चेंज करना है तो नीचे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन है दोस्तों। अगर हम पैन कार्ड के बदले अगर हम आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड का जो भी पिक वगैरह है उसका हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम आधार कार्ड के बेस पर ही नाम चेंज कर रहे हैं तो उसी का हम फोटो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। अभी दोस्तों हमारा जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख रहा है वो भी आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है। अगर हम आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं दोस्तों तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी अपना आधार कार्ड के बेस पर ही कर लेते हैं। तो चलते दोस्तों इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ की जगह सिर्फ यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ ही मेंशन करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम चलते हैं, अपना ईयर ऑफ बर्थ जो भी है हम उसे यहाँ पर डाल देते हैं। अभी दोस्तों हमें जो भी डिटेल्स अपडेट करना था वो हमने अपडेट कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, हमारा जो आधार कार्ड का पिक है वो हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी फाइल है हमने सेव करके रखा है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने जो फाइल था उसे अपलोड कर दिया है। और बाकी अगर आपको कुछ चेक करना है दोस्तों, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से डिटेल्स चेक कर लीजिए, आपने जो भी फिल किया है वो प्रॉपर फिल किया है कि नहीं, और बाद में फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं हमने जो भी डिटेल्स फिल किया हुआ है वो दोबारा से हमारे सामने देखिए शो करता है कि हमने जो आधार कार्ड का जो पिक है वो अपलोड किया वो भी देखिए सामने दिख रहा है। और नीचे हमने पहले हमारा जो नाम था वो भी दिख रहा है, और हमने जो नया नाम टाइप किया है वो भी बगल में देखिए दिख रहा है, और ईयर ऑफ बर्थ जो हमने टाइप किया है वो भी दिख रहा है। मतलब जो भी हमने करेक्शन किया है वो सामने हमारे दिख रहा है, तो उसे अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं। और नीचे देखिए सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करके सबमिट कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिक्वेस्ट है करेक्शन का वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी आ रहा है, योर रिक्वेस्ट फॉर नेम और ईयर ऑफ बर्थ चेंज हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने देखिए ट्रैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, और रिक्वेस्ट ट्रैक करने के लिए दोस्तों उस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर स्टेटस जो है शो कर रहा है, स्टेटस जो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए अपडेटेड शो कर रहा है, मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट था करेक्शन का वो अपडेट हो चुका है, मतलब कि हमारा नेम करेक्शन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वैक्सीनेशन सर्विसेज के ऑप्शन पे, और नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो अपडेटेड डिटेल्स है सर्टिफिकेट को हमारे सामने ओपन हो जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, ये देखिए राइट साइड में शो सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, अब हम यहाँ पर क्लिक करके हमारा जो अपडेटेड सर्टिफिकेट है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम शो सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो दो टाइप का जो सर्टिफिकेट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, और राइट साइड में देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट है। दोस्तों अगर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो हमें वहाँ पर पासपोर्ट डिटेल्स अपडेट करनी होती है। तो जैसे कि दोस्तों हमें डोमेस्टिक ट्रैवल करना है तो हम यहाँ पर ओनली सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो सर्टिफिकेट उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से अपडेटेड सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाता है। अगर हमें इसका चाहिए तो प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें इसका कार्ड भी बनाना है तो इसका हम कार्ड बनाकर अपने साथ में रख सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपको भरपूर जानकारी मिल गई होगी, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।